पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कल से तो मैं खाना ही ना बनाऊं। अनन्या फोन छोड़। भाभी खाने पे ध्यान दे। और रक्षा तुझे भी अभी टाइम मिला है होमवर्क करने के लिए, बंद कर इसे। और आप ऐसे हैं इसलिए ये दोनों ऐसी हैं। गौरी एक 12 साल की लड़की गायब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वही नहीं, मुझे कॉलेज का सिलेबस डाउनलोड करना है और अर्जेंटली कुछ ऑनलाइन बुक्स भी तो ऑर्डर करने हैं। और आई मैं तो अपने एक्स्ट्रा क्लासेस का होमवर्क ही तो कर रही थी। तो इस पूरे घर में मैं ही ऐसी अकेली हूँ जिसके पास खाने के वक्त करने के लिए कोई भी काम नहीं। एक काम करो गौरी, खाना कैसे बनाते हैं ये इंटरनेट पे देखो, मतलब टाइम पास भी हो जाएगा और खाना भी अच्छा बनेगा। बोलो खान। आया मैं। वो खाना छोड़ के मत जाए। इस घर में मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। हाँ खान। हाँ सर। सर वो दिल्ली वाली केस की बच्ची है ना ईशा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये रुस्तम इधर आ। हाँ सलाम सर। भरोसे वाला है? यस सर। बोल। सर एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी बच्ची का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उम्र क्या है? 10-12 की होगी। कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? सर कोई मैडम है ऐसा सुनने में आया। और इन्फॉर्मेशन निकाल। जी सर। रुक। सर वो दिल्ली वाले केस की बच्ची होगी? तो बच्ची कोई भी होने तो खान, ढूंढना तो होगा, हमारा काम है। वो कंप्लेंट किसने की थी? मेघा देशपांडे। वो कब आ रही दिल्ली से? वो कल सुबह आ जाएगी मुंबई। कितनी क्यूट लग रही है ईशु। क्यूट तो मैं हूँ ही। ये स्कूल का नया ड्रेस मस्त सूट कर रहा है ना मुझ पे। मैडम जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी ईशु को बड़ी अच्छी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, ईशु मेरी भी तो कुछ लगती है। ईशु मैडम जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मुझे भी आई बुलाया कर। लेकिन मेरी आई तो यही है ना। मैं आपको छोटी आई बुलाऊं तो चलेगा क्या? छोटी आई चलेगा। छोटी आई। अच्छा हाँ।
सर हम लोग यहाँ पे क्यों आए? वो दिल्ली वाली मैडम आ सकती थी ना स्टेशन? बड़े पति की बड़ी बीवी। मतलब? मतलब इसके हस्बैंड इंडियन सीक्रेट सर्विसेज में, अपने डीसीपी साहब के दोस्त। लेकिन सर आप तो सीनियर है ना। एक्सक्यूज मी, मेधा बंसल जी से मिलने। आप कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील खेलकर। वो आपका इंतजार कर रहे हैं लॉन्ज एरिया में। थैंक यू। खान, वो खबरी वाली बात बोलना नहीं है? हाँ यस सर। हाँ नहीं सर। मिस्टर खेलकर थैंक यू सो मच। आई नो ये केस आपकी टीम पर इम्पोज किया गया है, पर डीसीपी सर ने आप ही का नाम लिया था। हाँ डीसीपी सर का जैसे ही कॉल आया हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि केस कैसा भी हो क्राइम को सॉल्व करना हम लोगों का ही काम है। ये ईशा की माँ बेला, ये कब से काम करती है आपके घर में? पहले मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग मुंबई में ही थी, तो बेला हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रही थी। फिर लास्ट ईयर जब नितिन का ट्रांसफर दिल्ली हो गया तो मैं बेला और ईशा दोनों को अपने साथ ही ले गई। फिर वो लोग 15 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आए थे किसी की शादी में। फिर ईशा की स्कूल स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने उनकी फ्लाइट की टिकट्स करवा दी। नौकरानी और उसकी बेटी की फ्लाइट टिकट्स? जी वो हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं ईशा के बहुत क्लोज हो गई थी और ईशा कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। तो मेरे बर्थडे में आपने बोला था कि मुझे स्कूटी लाके दोगे। हाँ पर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया ना, अनइंश्योर्ड तो जाती जाए ना क्या? मुझे आपका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। अरे महिता चांगली गोष्ट है, तू किसी से भी लीव ले सकती है। तू एक काम कर, ये दवाई लेके आ और मैं वहां जाके सब्जी लेके आता हूं। जा 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 पटकन। एक नंबर सा कंजूस मानुस। लो भैया ये दे दो। एक मिनट देखना, मैं अभी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुंदर है तू, हाँ तो भी अपने बाप के सामने स्कूटर की भीख मांग रही थी। What? देख मेरे लिए काम करेगी ना तो स्कूटर नहीं कार ले लेगी 3 महीने में। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।